हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा लाइंस। शिक्षा लाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो राज्यपाल देख रहे थे, और अब तक है अपने राज्यपाल से संबंधित है वो संविधान में क्या प्रावधान है और उनमें क्या संशोधन किया गया इससे संबंधित है वो प्रावधान देख लिए थे। और उसके बाद हमने देख लिया था कि जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ कौन सी होती हैं और विधायी शक्तियाँ कौन सी होती है उनके बारे में वो देख लिया था, और अध्यादेश कैसे जारी किया जाता है उनके बारे में देख लिया था। और आज हम बेसिकली देखेंगे कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ हैं कौन सी है और न्यायिक शक्तियाँ कौन सी है, और राज्यपाल है वो उससे आपातकाल के संबंध में उनकी क्या शक्तियाँ हैं, और वो अपने विवेक से है वो क्या शक्ति का अधिकार कर सकता है। बेसिकली राष्ट्रपति और राज्यपाल में है वो एक डिफरेंस, बेसिकली मोटे तौर पर ये माना जाता है कि राष्ट्रपति को कोई सविवेकी शक्तियाँ हैं वो प्रदान नहीं की गई है, जबकि राज्यपाल के लिए है वो सविवेकी शक्तियाँ हैं वो प्रदान की गई है। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राज्यपाल के वो वित्तीय शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वित्तीय शक्तियाँ, ठीक है, वित्तीय शक्तियाँ। और वित्तीय शक्तियाँ बेसिकली है वो सबसे पहले वो विधेयक के संबंध में है वो जो स्वीकृतियाँ हैं उससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 198, ठीक है। आर्टिकल 198 में ये होता है कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक, ठीक है, तो इसका पूरा लिख लेते हैं परिभाषा। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक लाने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति ली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना 198 के तहत। तो इसमें ये होता है कि जो धन विधेयक है और राज्य विधानमंडल में धन विधेयक को लाने या प्रस्तुत करने से पहले है वो राज्यपाल की है वो अनुमति है वो जरूर ली जाती है। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 198 के तहत है वो किया गया है, ठीक है। और उसके बाद में देखेंगे जो पेश किया जाता है। तो सेकंड हम देखेंगे जो आर्टिकल 202, ठीक है, आर्टिकल 202। तो आर्टिकल 202 में है वो मान सकते हैं इसको सिंपल भाषा में हम लोग बजट कहते हैं, लेकिन संविधान में उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के, सॉरी, विधानमंडल के समक्ष रखवाना, ठीक है, विधानमंडल के समक्ष रखवाना। वक्ता कौन है? तो वित्त मंत्री है। तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको विधानमंडल के वो समक्ष रखना आर्टिकल 202 के तहत है वो राज्यपाल का काम है। आर्टिकल 202 के तहत है वार्षिक वित्तीय विवरण को है वो रखवाना, ठीक है। तो उसके बाद में एक चीज़ ये है आर्टिकल ये 267 में आएगा, जो राज्य की आकस्मिक नीति होती है, राज्य की आकस्मिक नीति पर राज्यपाल का नियंत्रण, ठीक है, राज्यपाल का नियंत्रण। और जो राज्यपाल को है, राज्यपाल सरकार को इससे सहायता दे सकता है, ठीक है, सहायता दे सकता है। तो ये चीज़ है वो ध्यान रखनी है
कि आर्टिकल 267 राज्य की आकस्मिक नीति पर है वो राज्यपाल का नियंत्रण रहता है, और राज्यपाल सरकार को इससे वो सहायता दे सकते हैं, यानी राज्यपाल की अनुमति के बाद वो सरकार इससे सहायता ले सकती है। तो इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है। इसके बाद है वो राज्यपाल के समक्ष जो प्रतिवेदन कौन कौन प्रस्तुत करता है, तो एक तो राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एंड सी ए जी के प्रतिवेदनों को राज्य विधानमंडल के समक्ष, ठीक है, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाना। तो ये काम है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग तथा सी ए जी के प्रतिवेदनों को राज्य विधानमंडल के समक्ष है वो रखा होने का काम राज्यपाल द्वारा है वो किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और जैसे सेंट्रल में है वो वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो राज्यों में भी है वो वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग, ठीक है, राज्यपाल द्वारा गठन, ठीक है, राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का है वो गठन किया जाता है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग, ठीक है, तो इसका काम ये होता है कि जो स्थानीय संस्था या निकाय है, स्थानीय संस्थाओं को वित्त उपलब्ध करवाना, वित्त उपलब्ध कराना, ठीक है, स्थानीय संस्थाओं को है वो वित्त उपलब्ध करवाने का काम है राज्य वित्त आयोग का है। और एक छोटा सा ये फैक्ट देख लेते हैं, जो पंचायतों के लिए प्रावधान है बेसिकली है वो वित्त आयोग का प्रावधान पहले देख लेते हैं। राज्य वित्त आयोग, ठीक है, राज्य वित्त आयोग, और ये है 243 आई के तहत, ठीक है, और इसमें 243 आई में है वो 243 आई, तो ये है वो पंचायत के लिए, पंचायतों के लिए, ठीक है, और 243 वाई तो ये है नगर पालिकाओं के लिए, ठीक है, नगर पालिकाओं के लिए 243 वाई के तहत है, ठीक है, और ये आई, तो इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थी प्रमुख जिनकी है वो वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी, एक बार हल्का सा दोबारा रिकैप कर लेते हैं। तो वित्तीय शक्तियों में हमने सबसे पहले बात की थी कि वित्तीय शक्तियाँ 198 के तहत है जो धन विधेयक है वो राज्य विधानमंडल में लाने से पूर्व है वो राज्यपाल की वो अनुमति जरूरी है, अनुमति ली जाती है, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी जो बजट होता है एक तरह से इसको है वो शॉर्ट में हम जनरल भाषा में कहते हैं बजट, बजट को है वो विधानमंडल के समक्ष रखना वित्त मंत्री के माध्यम से, तो ये है आर्टिकल 202 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने आर्टिकल 267, तो इसमें यह था कि राज्य की आकस्मिक नीति पर है वो राज्यपाल का नियंत्रण, और राज्यपाल है वो सरकार को इससे सहायता दे सकते हैं, नहीं इस पर नियंत्रण है वो राज्यपाल का, लेकिन एक चीज़ कन्फ्यूज नहीं होना है, जो संचित नीति होती है उसमें राज्य विधानमंडल का है वो नियंत्रण होता है, उसमें है वो धन वो संसद की अनुमति से निकाला जाता है, लेकिन आकस्मिक नीति पर है वो नियंत्रण है वो राज्यपाल का होता है, इस चीज़ में वो ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। और राज्य लोक सेवा आयोग तथा सीएजी के जो प्रतिवेदन राज्यपाल को मिलते हैं उन प्रतिवेदनों को जो राज्यपाल है वो विधानमंडलों के समक्ष रखवाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था राज्य वित्त आयोग, और राज्यपाल द्वारा इसका गठन किया जाता है, जैसे जो सेंट्रल में होता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है, और यहाँ पे है वो ध्यान रखना है आर्टिकल 243 आई के तहत है वो इसका गठन किया जाता है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग स्थानीय संस्थाओं को है वित्त उपलब्ध कराने के लिए है वो इसका गठन किया जाता है, क्योंकि राज्य और वित्त में वो दोनों के काम है वो जो राष्ट्रीय वित्त आयोग है उसके तहत वो किया जाता है, जो कि आर्टिकल 280 के तहत है वो जिसका गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग 243 आई, पंचायतों के लिए 243 आई, और 243 वाई नगर पालिकाओं के लिए वो वाई कहते
है वो लेकर, उसमें को लेकर किया गया चीज़ का वो ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि जो न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पे न्यायिक शक्तियों में है वो आर्टिकल 161 आएगा, ठीक है 161। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है, तो राष्ट्रपति का आर्टिकल है वो 72 है, ठीक है राष्ट्रपति का आर्टिकल है वो 72 है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है राष्ट्रपति का 72 है तो इसको ध्यान में रखना है। और 161 में तहत ये है कि एक तो ये है किसी दंड को है वो जैसे कम करना ज़्यादा करना, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है मृत्यु दंड, मृत्यु दंड के प्रावधान को कम या क्षमा नहीं कर सकता, ठीक है कम या क्षमा नहीं कर सकता, कम या क्षमा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है वो 161 के तहत है वो, इसको है वो प्रबलम कर सकता है या विराम के लिए या परिहार या लघुकरण, ये चारों चीज़ें कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को है वो पूरा कम या समाप्त तो किसी भी हालत में है वो ये नहीं कर सकता है, तो उसका उल्लेख है इसमें किया गया, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये न्यायिक शक्तियाँ थी, और जो विवेकीय शक्तियाँ क्या है, तो विवेकीय शक्तियों में हम देखेंगे कि जैसे मान लो आर्टिकल 200 है, तो वो सविवेक से है वो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित करना, राष्ट्रपति के लिए विधेयक को है वो सुरक्षित करना, तो ये है वो इसकी सविवेकीय शक्तियां हैं जिसके आधार पर ये कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 213 अध्यादेश, ये भी है वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है, ठीक है अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति हेतु रख सकता है, अनुमति हेतु रखना है, ठीक है। ये आर्टिकल 213 कहते थे, तो ये भी सविवेकीय शक्तियों के तहत आती हैं। अब मान लो किसी दल को स्पष्ट बहुमत न हो, दल को स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट बहुमत न होने पर अपने विवेक से सीएम नियुक्त करना, ठीक है सीएम नियुक्त करना। इसमें विवेक बेसिकली है कि सबसे पहले वो बड़ी पार्टी को बुलाएंगे, उनका है वो इसमें अपना पक्ष रखने को कहेंगे, उसके बाद उनमें नहीं हो तो जो गठबंधन चुनाव से पहले हो चुका उसको इनवाइट करेंगे, उसके बाद नहीं होता कि जो गठबंधन है उस चुनाव चुनाव के बाद हुआ है तो उसको है वो इनवाइट करेंगे, उस हिसाब से इस पे है वो निर्णय लिया जाता है, वो निर्णय है अपने विवेक से लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद मान लो विधानसभा को विधानसभा भंग, तो इसमें है बेसिकली है वो सीएम से परामर्श लिया जाता है, सीएम से परामर्श, परंतु कुछ जगह पर विवेक से निर्णय, ठीक है तो ये भी हो सकता है, ठीक है कुछ विवेक से भी निर्णय ले सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये है कि मान लो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जिसमें अधिवेशन बुलाना हो, तो उसमें बिना परमिशन के लिए बुला सकते हैं, और विश्वास मत में नहीं, अगर मान लो कोई विश्वास में नहीं हो तो है वो विधानसभा में उसका बहुमत ना हो तो है वो विश्वास मत या बहुमत साबित के लिए बोल सकता है, बहुमत साबित के लिए बोलना, ठीक है बहुमत साबित के लिए बोल सकता है। तो ये चीज़ें बेसिकली अपने हैं विवेक से करता है। और दूसरा ये है कि विवेक से लिए गए निर्णय को विवेक से, ठीक है विवेक से निर्णय लिए, निर्णय या निर्णय कैसे लेना है, निर्णय कैसे लिया, तो इसको है वह प्रश्नगत नहीं कर सकता, नहीं इस पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते, प्रश्नगत नहीं कर सकते, ठीक है इस चीज़ को है वो ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक तरह से सविवेकीय शक्तियों के तहत ही आती है, ठीक है। और ये है वो अपने प्रमुख प्रमुख है वो शक्तियाँ कर ली है, और एक बेसिकली है वो शक्ति रह गई है, तो उसके बारे में देख लेते हैं
कि जो 356 है, ठीक है, तो 356 लगाने से पहले वो राज्यपाल द्वारा राज्य में कानून व्यवस्था का सही तरीके से संचालन न होने पर 356 के तहत सिफारिश करना, नहीं 356 के लिए सिफारिश करना, जो कि राज्यपाल के वो सब विवेक शक्तियों के तहत ही आती है। तो ये चीज़ का भी है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। और होपफुली पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल सिक्स अलायंस, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।